Click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरुजी चैनल पे आपको बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है कैसे सिस्को राउटर का पासवर्ड को ब्रेक करते हैं, तो मैं डिटेल्स में शेयर करूंगी, सो प्लीज एंड तक देखिए। इससे पहले भी मैंने आप लोग के लिए और भी दो ट्यूटोरियल दिए थे, आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए फर्स्ट वीडियो था कैसे सिस्को राउटर का iOS बैकअप लेते हैं एंड रिस्टोर करते हैं, एंड सेकंड जो वीडियो था कैसे सिस्को राउटर का कॉन्फिग फाइल बैकअप लेते हैं एंड रिस्टोर करते हैं, तो मैंने तो दोनों डिटेल्स में शेयर किया हूँ, सो प्लीज आप वॉच कर लीजिए। जो देखिए नेक्स्ट मंथ से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो है न्यू CCNA, एग्जाम कोड है 200/301। अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑल इन्फॉर्मेशन है, पहले आप देख लीजिए, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। ये टोटली फ्री नहीं है, ये पेड कोर्सेस हैं। आप लोग लाइक कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो आप लोग के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया है, आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए वहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा, आप जरूर ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप सोशल नेटवर्किंग सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे ऑल सोशल लिंक का साइट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाइए, पेज को लाइक करिए एंड फॉलो भी करिए, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कैसे सिस्को राउटर का पासवर्ड को ब्रेक करते हैं डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप, तो चलिए। हम लोग सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिस्को राउटर में पासवर्ड को कैसे रिकवरी करते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है काम करने के टाइम में, तो इसके लिए आप इसको फुल एंड तक देखिए। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी प्रोसेस मैं यहाँ पर दिखाऊंगी सेम टू सेम प्रोसेस आपको रियल फील्ड में भी आपको सेम टू सेम ही करना पड़ेगा, तभी एक सिस्को राउटर में जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप ब्रेक कर पाएंगे। ब्रेक करने के बाद आप एक न्यू पासवर्ड वापस सेट कर पाएंगे। जो देखिए यहाँ पर इस राउटर में बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है बट यहाँ पर पासवर्ड है, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए सेले मोड में जाता हूँ। सेले मोड में जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट पासवर्ड पूछ रही है, अगर पासवर्ड देंगे तो तभी इस राउटर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नो पासवर्ड। जो देखिए पासवर्ड तो है नहीं, इसके लिए हम लोग इसके लिए जा नहीं सकते, पासवर्ड को इस बार ब्रेक करना पड़ेगा। जो देखिए ब्रेक कैसे करेंगे, जो देखिए ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एक रजिस्टर फाइल होती है, जो देखिए कॉन्फिग रजिस्टर फाइल, जो देखिए उस कॉन्फिग रजिस्टर फाइल को हम लोग चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के टाइम में ये जो स्टार्टअप जो कॉन्फिग फाइल होती है उस स्टार्टअप कॉन्फिग फाइल को स्किप कर देंगे, स्किप करने के बाद रोमन मोड में हम लोग आ जाएंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए उस प्रोसेस को हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग फिजिकल में आते हैं, फिजिकल में आने के बाद यहाँ पर जो देखिए राउटर का जो बैक पोर्शन है आप ऑल इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं जो देखिए राउटर के बारे में। देन उसके बगल में यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है जो देखिए यहाँ पर पावर केबल है, पावर केबल के बगल में जो देखिए एक राउटर का स्विच ऑन ऑफ बोल के एक बटन है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो तब आपको ये जो राउटर का जो स्विच बटन है आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद आप तुरंत इसको ऑन करिए, ऑन करने के बाद आप तुरंत CLA मोड में आ जाइए। CLA मोड में आने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल पॉज ब्रेक प्रेस करिए, कंट्रोल पॉज ब्रेक, अब जब भी इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रोमन मोड में आ जाएगा।
जो देखिए इस बार यहाँ पर हम लोग रोमन बूट में आ चुके हैं। जो देखिए यहाँ पर जो राउटर में एक होती है मिनी ओएस, ये रोम में होती है। जो देखिए यहाँ पर मिनी ओएस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो हम लोग का कॉन्फिग रजिस्टर फाइल होती है, उस कॉन्फिग रजिस्टर फाइल को हम लोग चेंज करके एक न्यू पासवर्ड वहाँ पर हम लोग सेट करेंगे। देन उसके बाद जो कॉन्फिग रजिस्टर फाइल है उस फाइल को हम लोग बाय डिफॉल्ट जो सेट रहती है उसको हम लोग फिर से यहाँ पर दे देंगे। देन उसके बाद सेट करके रीलोड कर देंगे। जो देखिए ये है हम लोग का टोटली राउटर का पासवर्ड ब्रेक, हम लोग उसी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, जो देखिए कॉन्फिग रजिस्टर फाइल क्या होती है एक राउटर में, तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ। जो देखिए एक राउटर में ले लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं सीएलआई मोड में जाता हूँ। सीएलआई मोड में जाने के बाद चलिए तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर नो, देन उसके बाद यहाँ पर इनेबल मोड में जाता हूँ। देन उसके बाद शो भाषण, शो भाषण में जाने के बाद यहाँ पर राउटर का ऑल इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। जो देखिए ये कितना सीरीज का राउटर है, देन यहाँ पर फ्लैश क्या है, जो देखिए ये ऑल इंफॉर्मेशन। जो देखिए यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन होती है, जो देखिए कॉन्फिगरेशन रजिस्टर इज 0x2102, जो देखिए 0x2102 जो है हम लोग का बाय डिफॉल्ट ये रहती है राउटर में। ये जो रजिस्टर वैल्यू है इस रजिस्टर वैल्यू के हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 2142, जो देखिए 2142 कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग बाकी सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये है हम लोग का कॉन्फिगरेशन रजिस्टर वैल्यू। तो चलिए हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं इस राउटर को। देन इस राउटर में आ जाते हैं। जो देखिए रोमन मोड में हम लोग आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क दबाते हैं। क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद एंटर को प्रेस करता हूँ। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। जो देखिए यहाँ पर हम लोग जो करेंगे सेकेंड जो ऑप्शन, जो देखिए कॉन्फिग, जो देखिए यहाँ पर ये है, जो देखिए कॉन्फिगरेशन रजिस्टर यूनिटी। देन यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी टैब काम नहीं करती है। जो देखिए CONFREG। देन उसके बाद यहाँ पर स्पेस देखिए, यहाँ पर रजिस्टर वैल्यू क्या है, जो देखिए 2142। तो चलिए 2142 हम लोग ने दे दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर एंटर को प्रेस करते हैं। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग जो सेकेंड ऑप्शन करेंगे यहाँ पर रीसेट करेंगे। जो देखिए यहाँ पर रीसेट का भी ऑप्शन है, जो देखिए सिस्टम रीसेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो देखिए रीसेट, यहाँ पर रीसेट देने के बाद हम लोग एंटर को प्रेस करते हैं। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो देखिए ये फिर से बूटिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है इसको कंप्लीट होने में। देन ये कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर नो, देन उसके बाद यहाँ पर राउटर के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एनएमएम, देन उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जा सकते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जो देखिए इससे पहले जो भी पासवर्ड था वो तो हम लोग ने ब्रेक कर लिया है, यहाँ पर हम लोग एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेट करेंगे। जो देखिए यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, यहाँ पर एनेबल सीक्रेट पासवर्ड दे सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर लाइन कंसोल का पासवर्ड भी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लाइन कंसोल का एक पासवर्ड दे देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो है यहाँ पर मैं TCI दे रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर लॉगिन के टाइम में मैं इसको बोल देता हूँ, जो देखिए। देन उसके बाद यहाँ पर मैं सेकेंड जो पासवर्ड यहाँ पर मैं दूंगी, जो देखिए एनेबल सीक्रेट पासवर्ड, यहाँ पर एनेबल देन सीक्रेट, देन यहाँ पर मैं CCNP दे रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने दोनों पासवर्ड दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं एक सीट कॉमन से बाहर हो जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक काम करना पड़ेगा, जो देखिए हम लोग इसको कॉपी करेंगे कहाँ पर, स्टार्टअप कॉन्फिग से रनिंग कॉन्फिग। जो देखिए ये कमांड थोड़ा सा उल्टा है तो आपको ये कमांड देना पड़ेगा। जो देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो देखिए कॉपी स्टार्टअप कॉन्फिग टू रनिंग कॉन्फिग। जो देखिए यहाँ पर कॉपी, देन उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप कॉन्फिग, देन रनिंग कॉन्फिग, रनिंग कॉन्फिग। देन उसके बाद हम लोग एंटर को प्रेस करता हूँ। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछ रही है, डेस्टिनेशन फाइल नेम जो भी है मैं उसको रखता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा और भी, जो देखिए हम लोग ने फर्स्ट टाइम जो
कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रजिस्टर फाइल था वो क्या था, हम लोग का 2142 किए थे, उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। इस बार हम लोग जो भी बाय डिफॉल्ट जो रहती है एक राउटर में 2102 उसको हम लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िग रजिस्टर जो देखिए हम लोग का क्या है 2102, देन उसके बाद यहाँ पर एंटर को प्रेस करिए। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक्सिट करके मैं बाहर हो जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपने यहाँ पर सारा ऑल डिटेल्स यहाँ पर काम किया है उसको सेव करना पड़ेगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फिर से ये रोबोट बूट में चला जाएगा। जो देखिए बाय डिफॉल्ट ओ सेट है, जो देखिए 2142 जो देखिए बाय डिफॉल्ट ओ सेट है, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो 2142 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये रोमन मोड में चला जाएगा। आपको जरूर सेव करिए, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइनली यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये जो राउटर हम लोग ने जो यहाँ पर पासवर्ड को चेंज किया है, पासवर्ड को चेंज करने के बाद इसको आपको रीलोड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रीलोड करके देखते हैं, जो देखिए हम लोग ने जो भी न्यू पासवर्ड यहाँ पर हम लोग ने दिया है वो काम कर रही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रीलोड कर लेते हैं, जो देखिए फाइनली प्रोसेस पूछ रही है। देन उसके बाद हम लोग एंटर को प्रेस करते हैं। एंटर को प्रेस करने के बाद ये रीलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जो देखिए इसके बाद हम लोग जो न्यू पासवर्ड जो देखिए यहाँ पर हम लोग देंगे, जो देखिए न्यू पासवर्ड यहाँ पर पूछ रही है। जो देखिए यहाँ पर लॉग इन के टाइम में हम लोग ने जो लाइन कंसोल का पासवर्ड दिए थे वो क्या था, जो देखिए हम लोग का CCIE। देन उसके बाद हम लोग एनेबल मोड में जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल को कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए वहाँ पर हम लोग का जो भी पासवर्ड दिए थे CCNP, जो देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर शो IP इंटरफेस ब्रीफ, जो देखिए यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। देन उसके बाद शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में मैं फिर से जाता हूँ, जो देखिए सॉरी सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने न्यू पासवर्ड सेट किया है, जो देखिए ये है MD5 वैल्यू में यहाँ पर जो है एनेबल सीक्रेट पासवर्ड। जो देखिए अगर यहाँ पर और भी कॉन्फ़िगरेशन होता है तो यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जो देखिए यहाँ पर IP एड्रेस मेंशन है, देन उसके बाद यहाँ पर लाइन कंसोल का पासवर्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो देखिए ऑल इंफॉर्मेशन है। जो देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, जो देखिए इसको मैं फिर से रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करने के बाद मैं आप लोग के लिए जो कॉन्फ़िग रजिस्टर फाइल है, कॉन्फ़िग रजिस्टर फाइल को मैं एक बार दिखाई देता हूँ, जो देखिए बाय डिफॉल्ट जो है 2102 हुआ है कि नहीं। जो देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से एनेबल यहाँ पर पासवर्ड पूछ रही है, ये पासवर्ड क्या है CCIE। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने एनेबल में जाते हैं फिर से, देन उसके बाद सेकेंड पासवर्ड हम लोग ने दे दिया है। जो देखिए शो वर्शन में यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ, जो देखिए शो वर्शन में जो देखिए बाय डिफॉल्ट हम लोग ने उसको ही सेट कर दिया है, जो देखिए 2102, जो देखिए ये है 2102 कंप्लीट हो चुका है। जो देखिए इस बार यहाँ पर रोमन मोड में नहीं जा रही है, जो देखिए रोमन मोड में जाएंगे तो वहाँ पर रोमन 1 एंड 2 3 ऐसे करके आपके सामने आएगा। जो देखिए ये एक नॉर्मल राउटर जैसे ओपन होती है सेम टू सेम ये ओपन हो रही है। जो देखिए यहाँ पर जो भी ओल्ड पासवर्ड था ओल्ड पासवर्ड को हम लोग ने ब्रेक कर दिया है। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे एक ओल्ड पासवर्ड को ब्रेक करके एक न्यू पासवर्ड को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर इस राउटर को काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो देखिए फर्स्ट अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आती है तो तब आपको यहाँ पर राउटर का जो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन है आप इसको ऑफ करिए, ऑफ करने के बाद यहाँ पर आप ऑन करिए, ऑन करने के बाद आप जल्दी से CLI मोड में आ जाइए। CLI मोड में आने के बाद यहाँ पर कंट्रोल पॉज ब्रेक आपको प्रेस करना पड़ेगा। किसी किसी कीबोर्ड में आपको ओनली ब्रेक भी लिखा रहती है तो आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रेक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये राउटर रोमन मोड में आ जाएगा जो हम लोग का एक मिनी OS रहती है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग जो रजिस्टर फाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद यहाँ पर ये रिलोड हो जाएगा। रिलोड करने के बाद यहाँ पर अगर आप
देखना चाहते हैं वहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस राउटर के बारे में, तो स्टार्टअप कॉन्फिग फाइल में ऑल इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। देखने के बाद यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड दे सकते हैं। कोई भी पासवर्ड देखने के बाद यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, कॉपी टू स्टार्टअप कॉन्फिग एंड रनिंग कॉन्फिग यहाँ पर देना पड़ेगा। ये कमांड थोड़ा सा उल्टा है तो आपको इसको देना पड़ेगा। देन उसके बाद फाइनली जो हम लोग ने रजिस्टर फाइल किए थे, रजिस्टर फाइल को आपको फिर से सेंड टू सेमी यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो फिर से रोमन मोड में चला जाएगा। जो देखिए जो इसके लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद जो कॉन्फ़िग रजिस्टर 2102 देने के बाद उसको इसको कंप्लीट करिए। देन उसके बाद जो जो यहाँ पर आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किया है, न्यू पासवर्ड दिया है, उसको जरूर आप सेव करिए। सेव करने के बाद फाइनली रीलोड करिए। रीलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए जो पासवर्ड आपके ने जो यहाँ पर हमने दिया है वो काम कर रही है ये नहीं। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे एक सिस्को राउटर में पासवर्ड को ब्रेक करते हैं। इसी प्रोसेस को आप सेम टू सेम कर सकते हैं रियल फील्ड में। रियल फील्ड में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है तो। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे सिस्को राउटर का पासवर्ड को ब्रेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी डाउट आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। अगर आप लोग का कोई भी नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, नहीं तो कोई भी क्वेरी है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, वो भी मैं आप लोग के लिए हेल्प कर दूंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। इसके साथ वेबसाइट को जरूर विजिट कर लीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल इन्फॉर्मेशन है, पहले आप देख लीजिए देन उसके बाद ज्वाइन करिए। ये टोटली फ्री नहीं है, ये पेड कोर्सेज हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।